ज़्यादा जो है फोटोग्राफ्स वगैरह जो भी आर्टिस्ट रिलेशंस डिस्प्ले करनी होती हैं, तो उसकी पूरी प्लानिंग इस पर बहुत ज़्यादा होती है, थ्योरी वर्क बहुत ज़्यादा होता है, और फिर उसके बाद कम्युनिटी आउटरीच होती है कि लोगों को गैलरीज में कैसे बुलाया जाए. सो उसमें यह है कि व्लॉग्स में मुझे बहुत आसानी हुई कि जी आपने एक बनाया और लगा दिया कि प्लीज़ आ जाइएगा, इस दिन शो है, फिर ईमेल्स एंड मार्केटिंग, वो सारी चीज़ें, बेसिकली सब कुछ देखना पड़ रहा होता है क्रिएटर्स को. लेकिन मैं पर्सनली आपको सारे एक फीलिंग शेयर करूँ कि जिस तरह कोविड में बहुत सारी चीज़ें डिजिटाइज हुई और हम ऑनलाइन लाइफ जिंदगी को लाइफ स्टाइल का हिस्सा हमने बनाया, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एक विजुअल आर्ट की जो एक्सिबिशन गैलरी के अंदर आवेजा की जाती है, क्यूरेट की जाती है, उसको ऐसे धीमे कदमों चलते हुए उस आर्ट को कभी दूर से, कभी करीब से, कभी लॉन्ग शॉट में, कभी मिड शॉट में अप्रिशिएट करना उसको, वो लुत्फ कितना ही खूबसूरत डिजिटल ऑनलाइन गैलरी हो, वो मज़ा तो मेरी नहीं आता. नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता. और कोविड की वजह से मैं खुद तरस गई हूँ कि जाके एग्जीबिशन में देख सकूं, बट मेरी जो जगह है, बिकॉज इट्स अ गैलरी, तो माय प्लेस इज अराउंड, इट्स फुल ऑफ आर्ट वर्क. मेरे घर में कोई दीवार नहीं बची है जिस पे आर्ट वर्क नहीं लगा, कोनों में, बेड के नीचे, हर जगह. इट्स लाइक अ हेवन ऑफ आर्ट वर्क फॉर मी. और वो पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट आर्टिस्ट्स का काम artists, है बहुत ज्यादा, और उस पे टैग्स लगे हुए. टैग्स इस तरह के, वो हमें पता होता है कि किसका काम किसका है, टैग्स की जरूरत नहीं है. अच्छा, जो हमारे यंग बच्चे बच्चियां आर्ट क्रिएट कर रहे हैं इस वक्त, कैसा एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि नहीं? एक्सपेरिमेंट हो रहा है, बट डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हर बच्चे के एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकती. एक जैसी अपॉर्चुनिटीज नहीं है ना, आपका एजुकेशन सिस्टम में भी इतने सेक्शन हैं. तो उसके हिसाब से जब आपको जो मौके मिलते हैं, तो उस तरह से जितना भी आगे बढ़ सकता है. मैंने बहुत मेहनती बच्चे देखे हैं, कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, इतना पैदल चलते हैं, इतना इतना सामान उठा के, और घर से लड़के वो लोग वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं कि जी हमें आर्टिस्ट बनना है, तो वो लोग भी इंजीनियर बनो. तो इस तरह के भी हैं. फिर इंडस वैली है कि यू नो, थोड़ा सा मैं इंडस वैली से हूँ, बट आई वॉज सेल्फ मेड, तो बट देन उसमें भी डिफरेंट एक आपका एक्सपोजर है. तो हर तरह से काम कर रहे हैं, और आई बिलीव कि जिसने जहाँ जाना होता है ना, तो वो खुद से पहुँच जाते हैं. अच्छा, तो वो एक्सपोजर निकाल लेते हैं आपको, आपको जो भी चाहिए होता है, अगर आपको वाकई कुछ करना है, तो वो फिर उनको एक्सपोजर मिल जाता है. शायद मेरा सवाल कुछ इस कॉन्टेक्स्ट में भी था महरीन, के जो हमारे इस वक्त यंगस्टर्स से मुराद मेरी एक डिग्री करने के 5-8 साल के अंदर जो इस वक्त काम कर रहे हैं, क्या इंटरनेशनली वो आईब्राउज को रेज करवा रहे हैं, इंटरनेशनली पिक हो रहे हैं कि अरे ये लड़की फ्रॉम पाकिस्तान या ये लड़का फ्रॉम पाकिस्तान आर डूइंग समथिंग डिफरेंट? जी हो रहे हैं. मैं खुद 10 साल से इंटरनेशनली एग्जिबिट कर रही हूँ. सो अभी मेरा काम यान जियाओ बिनाले चाइना में था, और मैं कोई 100 आर्ट वर्क्स में मेरा वीडियो इंस्टॉलेशन थी, एंड आई वाज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल आर्टिस्ट पैनल ऑल्सो. उसमें कोई 23 इंटरनेशनल आर्टिस्ट थे. फिर अभी यूएस में मेरा एक एग्जिबिशन आ रहा है न्यूयॉर्क में, और उसमें 52 आर्टिस्ट है अराउंड द ग्लोब, पूरी दुनिया से, और हमने एक फिल्म बनाई है. अच्छा, और वो जो है एक्सेलसियर के नाम से न्यूयॉर्क में प्रीमियर होगा. तो कोविड के दौरान हमने ये काम किया है, सब आर्टिस्ट जमा हुए और हमने सोचा कि चलो एक फिल्म बनाई जाए, कोविड के हवाले से ही है. सो उसका इंतज़ार है, अप्रैल में वो आएगा, और ऑनलाइन ही होगा. मगर ये कि आपके सवाल का जवाब ये कि ना, अगर आपको जैसे आपको जब आगे बढ़ना होता है, बिकॉज मैंने ये कहा कि मुझे आगे बढ़ना था, तो मैं एग्जिबिट करती गई, रिजेक्ट होता गया, नहीं बिक रहा, मगर आप लगाते गए. आज तक मैंने फ़खर से कह सकती हूँ कि अपनी पेंटिंग्स को बेच के मैंने 1 रुपया नहीं कमाया. इनफैक्ट मैं जब काम करती थी क्यूरेटिंग करके, आर्ट डीलिंग करके, आर्ट कंसल्टेंसी करके, तो वो मैं करती इसीलिए थी ताकि मैं ये काम कर सकूँ. सो और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कि शुरू से शुरू करते हैं, और फिर उनका जो एक पैशन होता है ना, कि हम एक, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन, फिर प्रोडक्शन, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. तो लोग पूछते थे कि बिकी नहीं बिकी, ऐसे कि नहीं, मुझसे नहीं पूछो बिकी कि नहीं बिकी, या कितने में बिकी. और आई डोंट प्रोड्यूस वर्क टू सेल, बेसिकली एक कुछ लोगों का एक तरजीह होती है कि हमारे काम के जरिए कोई सोचे. सो कुछ लोग वो आर्टिस्ट भी होते हैं. तो वो जब चीज़ें नहीं बिकती, एक आर्टिस्ट ने एक एग्जीबिशन की, आई डोंट नो, 25, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 25 इंस्टॉलेशन, 25 पेंटिंग्स या कुछ भी एग्जिबिट किया, 2 बिक गई 3 बिक गई, वो जो बाकी 20-22 होती हैं, उनको तो फिर स्टोर करने और उनको आर्काइव करने के लिए भी एक पूरी जगह चाहिए. तो वो उसका क्या होता है फिर उसके लिए, जगह
होती है या वो गिफ्ट कर दी जाती है? नहीं नहीं, उसके लिए जगह होती है। अब तो ये है कि मेरा आर्ट गैलरी का सेटअप है, फिर मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है एमएच इनिशिएटिव्स के नाम से, हम कल्चरल एक्सचेंज प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो लास्ट ईयर मैंने यहाँ पर डेलीगेट्स बुलाए थे, वहाँ के आर्टिस्ट, नेदरलैंड्स, टर्की, इटली एंड पाकिस्तान। सो वहाँ से हमने यहाँ पर बुलाए, और पाकिस्तान टूरिज़म के और पीस के हवाले से वो प्रोजेक्ट था। फिर मैं अपना काम यहाँ, वो पूरा शो इटली लेके गई, वहाँ के मेयर के साथ काम किया, तो उनको पता चला कि पाकिस्तान से क्यूरेटर्स आई हैं। सो इस तरह का, बिकॉज अब जो है, अब तो सेटअप है मेरे पास कि अब गैलरी है, तो वो जो नए आर्टिस्ट आते हैं, तो अक्सर ऐसे भी हैं जिनका पहला शो मैंने उनको दिया था, अपनी पहली एग्जीबिशन, और अब वो माशाल्लाह से इंटरनेशनली एग्जिबिट कर रहे हैं, न्यूयॉर्क में जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं, बिकॉज हमारे सामने बन रहे थे, तो हमें पता होता है, तो यू नो इट्स लाइक कि जो आपको करना होता है वो आप कर लेते हैं। तो अब तो जगह है, बट एक ज़माना था कि जगह भी नहीं होती थी, तो बेड के नीचे अब इसको काट रहे हैं, और उसका एक तरीका होता है रखने का। Exactly, ये भी नहीं कि अच्छा इसको उठा के पेंटिंग को नीचे नहीं, 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 बहुत कहानियाँ इस तरह की कि गालियाँ भी पड़ी हैं घर से कि सामान साफ करो, कमरा साफ करो, इतना आर्टवर्क है, एंड देन यू नो बहुत कमरा साफ करो, मतलब ये कि गन बचा हुआ है जी, बहुत कुछ है, वो गन नहीं होता, अब मेरा दिल दुखता होगा कि है हमारी इतनी मेहनत को आप कह रहे हैं साफ करो, साफ करो भैया, इसको ये तो बिक नहीं रही है तो इसको फेंको। तो देन आई मीन आई एम लकी टू हैव, तो फिर मैंने अब गैलरी शुरू कर दी ना, कि अब तो सबका आर्ट वर्क है, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो सफाई नहीं हो सकती। आपके घर वाले इस पूरे सालों में कुछ ग्रूम हुए हैं सारे? हाँ, they were fine with it, yeah. अब हाँ, मैं ऑर्गेनाइज करने में भी अच्छी हो गई हूँ। मुझे पता है कैसे स्टोर करने है, क्योंकि स्टूडियो है और पूरा उसमें आर्ट वर्क भरा हुआ है, और हर आई मीन आपको हर जगह से एक आर्ट वर्क इंस्टॉलेशन स्कल्पचर्स निकल रहा होता है। आखिर में मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा मेहरीन, थोड़ी सी इस पर मैं बात करना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी वजह जो हमारे बच्चे आर्ट नहीं कर पाते, वो शायद हमारा मटेरियल का महंगा होना भी है। जो आर्ट मैंने जनरली देखा है कि एक आम एवरेज लोअर मिडिल क्लास की रसाई से अगर एक बच्ची का हाथ बहुत साफ है, उसका बाप माँ उसको लेके भी देना चाहते हैं, लेकिन द आर्ट मटीरियल in itself is so expensive ki wo phir nahi ho pata. Do you think this is a challenge ke bahut se acche artists jo hai wo discourage ho jate hain? Affordability is an issue, I think. इसमें एक इग्नोरेंस का एलिमेंट है कि आपको क्रिएट करने के लिए आपको बहुत ही नहीं जरूरत नहीं है। तो मैं जब अब सिखाती हूँ, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन ये होता है कि जो भी आपके घर में मौजूद है, मार्कर्स, पेंसिल्स, क्रेयॉन्स, जो भी कुछ ना कुछ रंग तो पेपर्स तो सबके पास होते हैं, तो आप रिसाइकल पेपर पर काम कर लें, आप अखबार पर पेंट करके पेंट कर लें, कोयले से कर लें, आपको चारकोल पेंसिल 25 रुपए की मिल जाती है। तो वो जो जैसे इंसान ने गारों में तस्वीरें बनानी शुरू की थी, उस वक्त तो आर्ट मटेरियल था ही नहीं, और कितना हमें आर्टिफैक्ट्स हमें नज़र आते हैं, पूरी हिस्ट्री है। सो आई थिंक ये सोच की बात है कि ज़रूरी नहीं आपको बहुत महंगा आर्ट मटेरियल चाहिए, आपको अगर कुछ भी तख्लीक करना है आपका कर सकते हैं, क्ले आपको सस्ती मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आर्ट शुरू करने के लिए कोई उम्र की कैद भी नहीं है कि जी बिल्कुल भी नहीं, बचपन से आप शुरू करें या किसी एनसी एंडस वैली जाएं, और ऐसा कोई सीन नहीं है, आर्ट कभी भी किसी भी वक्त किया जा सकता है। और अगर कोई आप आर्ट खरीदना ना चाह रहे हो, तो खुद से भी कुछ बना के अपनी दीवार पे लगा लें यार, फ्रिज पे लगा लें, है फ्रिज पे लगा लें, और उस पे फखर महसूस करेंगे ये मैंने बनाया है ना। मेहरीन थैंक यू सो मच, इंडीड इट वाज अ प्लेजर टू टॉक टू यू, बड़ा डिफरेंट सा आपका प्रोफेशन है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, मुझे यकीन है कि हमें जितना मजे का आपका काम लग रहा है, इतना मजे का है नहीं, बड़ा मुश्किल काम है आर्ट के क्यूरेट करना और उसको डिस्प्ले करना और उसको बिकवाना और उसको एग्जिबिट कराना, उसके लिए एजुकेशन करना। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड लक, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग, आपका शुक्रिया। आपने राइजिंग पाकिस्तान का ये एपिसोड देखा, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।